Okay, so here are the conversion of decimal into binary octal and hexadecimal. Okay, now we want to convert a number. So in octal, जो एक number है, like जैसे मान लें कोई एक example है, question number 2. We have a number as 10110101. Okay, so this is the binary, and we have to convert this into octal, and we have to convert this into hexadecimal. Hexadecimal means base 16. Okay, so how we can do that? So if we want to convert any binary number into octal, then what we can do? So, मुझे बताएं कि अगर हमारे पास एक कोई बिट हो, ए वेरिएबल ए हो, तो ए के कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं बाइनरी में? सर दो दो हो सकते हैं, या तो ए का वैल्यू जीरो हो सकता है या फिर ए का वैल्यू वन हो सकता है. ओके, इन द सेम वे अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हो, ए और बी, तो अब कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? मैक्सिमम कितने सारे कॉम्बिनेशन? इसका मतलब है इस केस में सिर्फ दो कॉम्बिनेशन मिलेगा. ए बी अगर दो वेरिएबल हो तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? ये दोनों जीरो जीरो हो सकता है, ए जीरो बी वन हो सकता है, ए वन बी जीरो हो सकता है, ए वन और बी वन हो सकता है. और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल है. सो वी विल हैव फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन. इन द सेम वे इफ वी हैव थ्री वेरिएबल्स लाइक ए बी एंड सी, सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन विल बी पॉसिबल? कितने हुए? एट सर. ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में वो फॉर्मूला क्या है जिससे हम निकालते हैं? टू का पावर एन. टू टू दी पावर एन, वेयर व्हाट इज एन? जब हमारे पास तीन बिट है तो एन इज इक्वल टू थ्री अगर हो तो टू टू पावर एन मीन्स कितना होगा? एट. और अगर एन इज इक्वल टू फोर बोले तो टू टू सॉरी हाँ टू टू पावर फोर इज इक्वल टू 16. यानी कि हमारे पास अगर चार बिट्स हो तो चार बिट का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा? 16 बनेगा. n इज इक्वल टू अगर 2 बोले तो n इज इक्वल टू अगर 2 बोले तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4. ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ओके, सो तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. पहले हमारे पास बाइनरी में था, अभी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो ऑक्टल में हम क्या देख रहे हैं? ऑक्टल में हमारे पास यही 8 कॉम्बिनेशन है 0 से लेकर 7 तक. सो अगर इसका डेसिमल बोले तो दिस इज दी डेसिमल ऑफ 0, और ये 111 का डेसिमल कितना होगा? 111 का डेसिमल 7 होगा. सेवन. हम जानते हैं ऑक्टल में जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड 7. ओके, इन द सेम वे अगर हेक्साडेसिमल में बात करें तो वो 0 से लेकर कहाँ तक होंगे? F तक होंगे. तो यहाँ पर ये पहले बाइनरी में था, अभी इसे हमें अगर ऑक्टल में करना है तो हम क्या करेंगे? तीन तीन बिट का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट. वी विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बिट्स. ओके, नंबर ऑफ 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन लें तो ये 3 बिट. ओके, देन ये 3 बिट्स, देन ये 3 बिट्स. ओके, अब ये 3 बिट्स को अगर देखें तो 011 का डेसिमल कितना होता है? 011 कहाँ है?
जीरो वन वन यहाँ है, ये देखिए। तो इस जीरो वन वन का ऑक्टल वैल्यू क्या होगा, थ्री। सो हियर इट इज थ्री, देन 101, सो 101 का क्या होगा वैल्यू, 101 5 क्या है, दिस इज 5, सो वी विल राइट 5 हियर। नेक्स्ट इज अगेन 101, थर्ड कॉम्बिनेशन इज आल्सो 101, सो दिस इज आल्सो 5। सो इफ वी वांट द ऑक्टल ऑफ दिस बाइनरी देन वी विल हैव दिस मच। नाउ फॉर द केस ऑफ हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हम क्या जानते हैं, हेक्साडेसिमल में जैसे अगर हमें जीरो यस सर ऑक्टल वाला फिर से समझाइएगा, ऑक्टल वाला, यस सर ऑक्टल वाला क्या विकास सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिए तो। अच्छा ऑक्टल में क्या क्या चीज नहीं समझ में आया है सर, ये 3 बिट हम लोग क्यों ले रहे, 3 डिजिट एक साथ। ओके ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर कहें तो ऑक्टल में हमारे पास कौन कौन से बेस यूनिट्स हैं, सिक्स एंड सेवन। अब मुझे बताइए ये कि अगर हमें 7 को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें 7 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो कितने बिट्स चाहिए होंगे 7 को। ओके आप एक काम करिए, 7 को कन्वर्ट करिए बाइनरी में, 7 को हम डेसिमल कह रहे हैं, ओके 7 डेसिमल, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए। यस विकास 101 यस सर हम करें इसे, तो 101 2 से डिवाइड करेंगे, यस सर 2 3 जा 6 एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 1 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 फिर एक रिमाइंडर बचेगा, ओके okay, अब इसके बाद और डिवीजन नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो बिट्स मिला वो पहला बिट ये मिला, दूसरा बिट ये और तीसरा बिट क्या मिला ये, यानी कि ये होगा क्या, ये होगा बाइनरी किसका, 7 का बाइनरी, यानी कि 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम कितना बिट्स चाहिए, 3 बिट्स चाहिए। तो हमने 7 को लिख दिया क्या, हमने 7 को लिख दिया 1 1 1, ओके 6 सेम वे 6 का क्या वैल्यू होगा, 110 6 का क्या वैल्यू होगा। अब फिर से आप डिवीजन कर सकते हो, यहां पर आप फिर से डिवाइड करो 6 को 2 से, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 से फिर लगाएंगे, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 बचेगा, तो कितना मिला 1 1 0, ओके तो ये 6 का बाइनरी हो गया। इन द सेम वे 5 का बाइनरी निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इस बार कितना हो गया 101, ये हो गया बाइनरी 5 का, तो 101 ओके। नेक्स्ट 4 का बाइनरी क्या होगा, फिर से यहाँ 4 को डिवाइड करो 2 से और पता कर लो क्या होगा, 2 2 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2 रिमाइंडर 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा ये 100, ये पहला बिट, ये दूसरा बिट और ये तीसरा बिट, ठीक है, तो 100 हो गया 4 का। इन द सेम वे 3 का बताओ विकास, 11 3 का अगर लिखेंगे तो 11 होगा, तो 3 बिट करने के लिए अगर एक 0 बार आगे लगा देंगे तो कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम थ्री को थ्री को थ्री बीट में रिप्रेजेंट किए, इस तरह टू को लिखना होगा तो जीरो वन जीरो होगा, वन को लिखना होगा तो जीरो जीरो वन होगा, और जीरो को लिखना होगा तो जीरो 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 होगा। तो ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये आठ यूनिट्स हैं, और इनको हमने बाइनरी में जब लिखा तो उसके लिए तीन बिट में उसे रिप्रेजेंट किया। ओके, हमने क्या किया, ऑक्टल को क्या किया है, थ्री बिट बाइनरी में लिखा है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो हमने ऑक्टल को थ्री बिट बाइनरी में लिखा। जब हमने ऑक्टल को थ्री बिट बाइनरी में लिखा तो अब यहाँ पर हमारे पास जो बाइनरी में ये नंबर है, हम इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऑक्टल को हम थ्री बिट बाइनरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, तीन तीन बिट का एक कॉम्बिनेशन बना लिया। वो हम शुरू कहाँ से करते हैं, हमेशा राइट साइड से ही शुरू करते हैं। ठीक है, राइट साइड से जब हमने शुरू किया तो तीन तीन बिट का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बनाया है। अब पहले वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, जीरो वन वन, पहले वाले कॉम्बिनेशन में जीरो वन वन है, और जीरो वन वन का वैल्यू क्या है, थ्री थ्री है, तो इसलिए हमने यहाँ थ्री लिखा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास वन जीरो वन, तो वन जीरो वन किसका वैल्यू है, फाइव, फाइव का है, तो इसलिए हमने यहाँ फाइव लिखा। और नेक्स्ट वन जीरो वन फिर से है कॉम्बिनेशन में, तो फिर से हमने यहाँ फाइव लिखा। इज इट क्लियर नाउ? सर अगर लास्ट में लेफ्ट साइड में हाँ थ्री डिजिट का कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? हाँ, थ्री डिजिट कॉम्बिनेशन नहीं मिला, जैसे जैसे मान लें कि अगर हमारे एग्जांपल में वन जीरो वन वन है, ऐसा है, ठीक है, मान लें ये बाइनरी है और हमें इसका ऑक्टल करना है, तो हम क्या करेंगे, तीन बिट का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे फिर से राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉम्बिनेशन बना। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में तीन बिट नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम दो जीरो लगाते हैं कोई अंतर पड़ेगा? नो सर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑक्टल क्या हो जाएगा, जीरो वन वन का क्या होगा, जीरो वन वन का थ्री सर, ये जो पहला कॉम्बिनेशन इसका थ्री होगा, और जीरो जीरो वन के लिए जगह में क्या लिख सकते हैं हम, वन वन होगा। ठीक है, तो इसका ऑक्टल हो गया थर्टीन। इज इट ओके नाउ? ओके, सो इन द सेम वे वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। ओके, अब हम हेक्साडेसिमल देखते हैं। ओके, हेक्साडेसिमल में जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, देन ए बी, सी डी ई एंड एफ। ओके, सो अब मुझे बताएं एफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये जो हमने लिखा है वो हेक्सा डेसिमल में लिखा है, और इसी को अगर हम डेसिमल में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसी को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो लिखेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ओके, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कहाँ अंतर आ रहा है। ओके, तो यहां पर जो हमने लिखा है वो है डेसिमल, ब्लैक कलर में जो हमने लिखा है वो है डेसिमल, और हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है रेड कलर में। ठीक है, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। तो F को अगर बाइनरी में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, F को अगर बाइनरी में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे सर, फोर टाइम्स वन। F का बाइनरी लिखना है, F का बाइनरी लिखना है मतलब क्या है वो,
15 f एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 का हम बाइनरी निकालें 111 होगा। इन द सेम वे ई को रिप्रेजेंट करें हेक्साडेसिमल में तो क्या होगा, 14 को हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 जब लिखेंगे बाइनरी में तो कितना होगा सर, 1110। इसे हम डिवाइड करके निकालें 2 से, कितना टाइम्स आएगा, 2 7 14, रिमाइंडर 0, 2 3 6, 1 7, 2 1 2 और 1 3। ओके, सो हमें मिला क्या, 1 1 1 0। ओके, यानी कि ये कितना है, 14 का बाइनरी है। तो 14 का बाइनरी क्या है, 1 1 1 0। ओके, अब डी है हमारे पास, तो डी का वैल्यू कितना है, 13। सो 13 को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो कितना बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, कैरी 1, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1। ओके, तो यहां पर क्या आया वैल्यू, 1 1 0 1। ओके, तो ये आया 13 का बाइनरी, कितना आया ये, 1 1 0 1, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सी, सी का बाइनरी बताएं, सी मतलब 12, 12 का बाइनरी कितना होगा, 1 1 0 0। ओके, नेक्स्ट वी हैव बी, 11 का बाइनरी क्या होगा, आप कन्वर्जन करके देखोगे, जिनको भी लग रहा है कि ये नहीं होगा या होगा, आप कन्वर्शन करोगे, 11 का बाइनरी लिखोगे, कन्वर्ट करोगे और यहाँ पर लिखोगे, तो 8 और 3 11 होता है। ए का लिखना है 10 का, तो 8 और 2 10 होता है। 9 का लिखना है तो 8 रिजॉइन करना है। हेलो सर, आ गए। यस अमन सर, रिजॉइन करना था क्या, मतलब हम लोग का कॉल नहीं कटा था सर, आपका केवल डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, सिर्फ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सोचा सिर्फ। ओके, सो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो हियर आर यू एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके, तो हम क्या करें, फिर से अब ये 8 को लिखना है, तो 8 को कैसे लिखेंगे, इन द सेम वे 7 को लिखना है, तो हम जानते हैं 7 का बाइनरी 111 होता है, तो हम क्या करें, एक 0 लगा दें, तो 4 बिट्स में हो जाएगा। इन द सेम वे 6 को लिखना होगा, तो हम जानते हैं 6 होता है 110, एक और 0 लगा देंगे तो 4 बिट्स में हो जाएगा। 5 को लिखना है तो 0101, 4 को लिखना है 0100, 3 को लिखना है तो 011, 2 को लिखना है तो 0010, देन 1 को लिखना है तो 0001, और 0 को लिखना है तो ऑल 4 जीरोस। ओके, तो इन दिस वे व्हाट वी कैन सी दैट हेक्साडेसिमल नंबर there is requirement of 4 bits to represent the hexadecimal number into binary, ठीक है। hexadecimal को अगर binary में लिखना हो तो उसे हम क्या करते हैं, 4 binary bits के equivalent लिखते हैं। ओके, सो हम क्या कह रहे हैं कि hexadecimal is equivalent to 4 binary bits। ओके, और यही हमने ऑक्टल में क्या लिखा था, ऑक्टल में हमने लिखा था कि ऑक्टल इज इक्विवेलेंट टू 3 बिट बाइनरी के इक्विवेलेंट होता है। ओके, अब हमारा जो एग्जांपल था वो क्या था, हमारा जो एग्जांपल था वो था 101101011। ओके, हमारा जो एग्जांपल था वो था 101101
011 यही एग्जांपल था, ये बाइनरी था, हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो क्या करेंगे हम, अब हम जानते हैं कि बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो चार चार बिट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम हर एक डेसिमल डिजिट को चार बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम चार चार बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये चार, और लास्ट में एक वन बच गया है, तो इस वन